तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर जुड़े एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा UPSC की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से दोस्तों यहां पर आपको मिलने वाले हैं दो एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बारे में दोस्तों हम सारी जानकारी बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंपली तरीके से दोस्तों यहां पर आपको गूगल पर सर्च करना है upsc.gov.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से भी आप इसको चेकआउट करेंगे। चेकआउट करेंगे दोस्तों जरा से नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो दोस्तों यहां पर आपको सेक्शन मिल जाएगा एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर ई एडमिट कार्ड वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ UPSC, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो एग्जाम देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा। पहला मिलेगा आपको कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2022 और डाउनलोड क्लिक हियर, और यहाँ पर जो आपका अवेलेबल है एग्ज़ाम वो है 4 सितंबर को। दूसरा मिलेगा दोस्तों यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन NDA राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नौसेना अकादमी के अंतर्गत। तो दोस्तों ये भी आपका पेपर 4 सितंबर 2022 को ही है। दोनों को हम यहाँ पर अलग अलग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका कल की डेट से ही एडमिट कार्ड अपडेट हो चुके हैं। 4 सितंबर को आपको एग्ज़ाम है, एक ही पाली में ऑल इंडिया में एक ही डेट में आपका एग्ज़ाम रहेगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आप सेक्शन पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको यस करना है। यस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से ऑप्शन मिलेगा, रोल नंबर से जो आपको है ऑप्शन मिलेगा। यदि आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो फॉरगेट आईडी वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यदि आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और मदर्स नेम, और एक कैप्चा कोड डालें। कैप्चा कोड डालेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप चाहे NDA का हो या फिर आपका हो CDS का, दोनों के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक सा ही देखने को मिलेगा। सेट बिल्कुल सेम आपका पैटर्न रहेगा। इनको आप हम फिल करेंगे। फिल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली आपको एक PDF जनरेट होके आ जाएगी। आप जिस चीज़ से करेंगे, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। सबमिट करेंगे आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर दिखाई दे जाएगा, CDS का हो या फिर हो आपका NDA का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जरा से हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको समय सारणी मिल जाएगी, टाइम टेबल मिल जाएगा। इंग्लिश का कोड जो पेपर रहेगा वो 9 से 11 बजे तक है, और जनरल नॉलेज का जो पेपर रहेगा वो 12 से 2 बजे तक आपका पेपर रहेगा। परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के लिए इस ई प्रवेश प्रिंट आउट को फोटो पहचान पत्र के साथ लाना अनिवार्य रहेगा। ऊपर जो आपको दिया गया है डाटा वो आपका मिलान किया जाएगा, और यहाँ पर ध्यान रखें 10 मिनट पहले आपको आना है, गेट बंद होने के पहले ही। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे सामान्य महत्वपूर्ण अनुदेश निर्देश मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। चेकआउट करेंगे आप इनको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें आपके काम की रहेंगी। आपको यहाँ पर ID प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में से जिसमें भी फ़ोटो लगी हो वो आप यहाँ पर लेके जाएँ। बाकी जो भी आपके रहेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये मिल जाएगा। तो दोनों के एडमिट कार्ड दोस्तों यहाँ पर सेम डेट में आपके निकलना शुरू हो चुके हैं। सेम डेट में आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।